सो हे गाइज अगेन वेलकम टू अवर व्लॉग एंड गाइज गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पर अपन खेत पे आए हैं आज के दिन, और दोस्तों सॉरी फॉर सैटरडे और संडे के व्लॉग के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और कुछ काम था, मैं ज़्यादा ही बिजी था तो व्लॉग नहीं बना पाया। तो कोई नहीं, अपन आज से स्टार्ट करते हैं। आज मंडे हैं और मंडे आज मार्केट ऑफ डे हैं, फर्स्ट में महाराष्ट्र डे, इस रीजन से आज मार्केट नहीं खुलेगा। और कल के दिन के लिए जो एनालिसिस हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वो वीडियो देखें। तब तक मैं अब भी सबसे पहले आज का काम है रचका लेने के लिए आया हूँ खेत पे, तो वो लेके जाएंगे, उसके बाद जो भी काम होगा कंटिन्यू वो अपन करेंगे। बाकी व्लॉग को एंड तक देखिए, और यार नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। घर पे आ चुका हूँ और वो जो रचके का बारा है वो लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ पर रेडी होते हैं, शेविंग वगैरह सही करते हैं, फिर कहीं बाहर जाना है खाने के लिए तो वहीं जाएंगे, और व्लॉग को अंदर बताऊँगा आपको कि कहाँ पर है खाना और कैसे हम यहाँ पर जाते हैं। तो चलिए, सो गाइज फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, नहा के सब कुछ करके रेडी हो गए, अब खाना खा के वहाँ पर और वहाँ से निकलेंगे कहीं बाहर और देखते हैं कहाँ चलते हैं, आपको भी साथ में लेके चलूँगा। चलो चलते हैं। सो गाइज बलिनो लेके चल रहे हैं अपन, और चलते हैं चार भुजा जी का मंदिर है हमारे यहाँ पर पास में 30 किलोमीटर दूर, तो मैं किसी के साथ चार भुजा जी मंदिर जा रहा हूँ, और फिर आपको बताते हैं कि चार पूजा जी का मंदिर कैसा है, क्या है, सब कुछ बताते हैं। मैं अपने गांव से निकल चुका हूं, तो देखते हैं, ठीक है। सो गाइज हम निकल चुके हैं चार पूजा जी मंदिर के लिए, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, यहां पर बारिश आ रही है, और बारिश के मौसम में यहां पर अच्छा लग रहा है, और ड्राइव करके जा रहे हैं हम, तो दिखाता हूँ आपको बारिश। देखिए बारिश का मौसम है सामने पानी, और देखिए बारिश का मौसम है, और अभी बारिश के पूरा मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली है पूरी, और इस मौसम में बाहर जाके घूमने में मज़ा अलग ही आता है, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं घूमने। सो गाइज हम आ चुके हैं चार भुजा जी के पास ही हैं, 5 से 7 किलोमीटर हो रहे हैं चार भुजा जी का मंदिर, और पीछे गोमती चौराया निकला है, गोमती चौराहे से अंदर की तरफ हैं चार भुजा जी, और चार भुजा जी के मंदिर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चार भुजा जी के मंदिर का गेट, यहाँ पर ये चार भुजा गांव है, इस गांव के अंदर चार भुजा जी बैठे हुए हैं और ये चार भुजा जी के मंदिर का गेट है। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं, आज के दिन एकादशी है तो एकादशी के दिन काफी ज्यादा भीड़ भी होगी चार भुजा जी के यहाँ पे, तो चलो देखते हैं, दर्शन आपको भी करवाऊंगा। सो गाइज आ चुके हैं हम मंदिर परिसर में, और ये पार्किंग कार पार्किंग कर दी है, अब पार्किंग के बाद चलते हैं मंदिर में सीधा सा, और आपको लेके चलते हैं मंदिर में। सो गाइज ये है चार भुजा जी का मंदिर, और ये राष्ट्रमन चार भुजा में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आज के दिन एकादशी है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आपको दिखाते हैं अंदर, लो ये लो आप चलो। था पापा सावड़े जी गया है। इस चार भुजा जी के दर्शन कर लिए, और दर्शन करके फिर हम निकलने रहे हैं, अब निकलते हैं और ये देखेंगे, ये मार्केट है चार भुजा जी का, चलिए निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब निकल के चलते हैं घर पे वापस अभी, और चार भुजा जी के दर्शन आई होप आपने भी काफ़ी अच्छे किए होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन हुए हैं आज के दिन, तो चलो चलते हैं घर पे। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं घर पे, अब
कपड़े चेंज करेंगे, गाय को लेके आएंगे, दूध निकालेंगे, चाय वाय पियेंगे और देखेंगे और कुछ काम होगा और आपके लिए स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो बनाना है तो चलिए बनाते हैं। कल मार्केट ओपन होगा तो कल ट्रेड करेंगे। तो इस व्लॉग को आई थिंक यहीं एंड करते हैं आज के दिन और आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखेंगे। थैंक यू।